मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, उसकी स्कूटी पे भाई गाड़ी हो गई मेरी टच, वहां पे कर दिया ड्रामे शुरू, स्कूटी वहीं बीच में रोक दी, उतर गई, मेरे को जी इसने ठोक दिया लड़के ने, ये कर दिया वो कर दिया। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला हमारा गाड़ी का रिव्यू। सो अभी हमारे अंकित भैया ने, अभी आप लोगों को नहीं पता कि वो लोग कौन है, तो अभी मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा पहले। सो उन्होंने लिया यहाँ पे न्यू गाड़ी। अब आप थंबनेल देख के तो समझ ही गए कौन सी गाड़ी है। अभी यहाँ पे हम उनकी गाड़ी का रिव्यू बनाने वाले हैं। बट ये जो रिव्यू था ना गाइस, मैंने सोचा था कि बहुत पहले बना लेंगे, मतलब आज से अराउंड एक डेढ़ महीना पहले उनकी गाड़ी आ चुकी है, बट अब काफ़ी लेट हो गया। बट कोई बात नहीं, ये व्लॉग मुझे बनाना ही था, तो अभी वो आ रहे हैं, मेरी उनसे फ़ोन पर बात हो गई है, तो अभी मैं सीधा आपको ले के चलता हूँ उनके पास। So, भाई अब हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी के सामने। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी गाड़ी पीछे, और अभी भाई मैं दिल्ली में हूँ, और दिल्ली का जो मौसम हो रहा है ना भाई, इतनी ह्यूमिडिटी और इतनी चिपचिप हो रही ना, मैं झूठ नहीं कह रहा, 5 मिनट के लिए मैं बाहर आया था गाड़ी के सिनेमैटिक्स बनाने के, मेरी हालत देखो भाई कैसी हो गई है। बट कोई बात नहीं, इसको हम करते हैं इग्नोर, अपनी बढ़ते गाड़ी के रिव्यू की तरफ। यहाँ पे अभी तुम थंबनेल से और हमारी गाड़ी के सिनेमैटिक्स से समझ गए भाई कौन सी गाड़ी है। अब हम बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में कि ये हमारे को ऑन रोड कितने की पड़ी, क्या इसमें एसेसरीज इंस्टॉल्ड है, और क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे आफ्टर मार्केट लगवाई है। तो मैं लोगों को भाई गाड़ी के ओनर है जिन्होंने गाड़ी ली है, एंड उनका इंट्रोडक्शन भी बहुत हमारे चैनल पे रहता है। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले देखो भाई, एकदम बढ़िया, मैं इंट्रोडक्शन यहाँ पर देता हूँ अपनी पूरी जनता का। और भाई आपका नाम कैसे? नितिन भाई। तो भाई अभी मैंने सबको इंट्रोडक्शन देता हूँ। भाई देखो, अंकित भैया को मैं जानता हूँ बचपन से, और मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा स्टार्ट करने से पहले। मेरा 8th में ट्राइंगल्स वाला चैप्टर था, तो अंकित भैया ने मेरे को पढ़ाया था, और पूरी क्लास में मैंने कर रहा था टॉप, उसके बाद कोई टॉप नहीं हुआ। चलो अब बात करते हैं गाड़ी की। तो भाई यहाँ पे आप गाड़ी की प्रोफाइल देख सकते हो, और यहाँ पे अंकित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो इनसे हम सारी चीज़ें पूछेंगे कि गाड़ी कैसे कैसे उन्होंने कहाँ से ली, एंड इस पूरी गाड़ी का जो रिव्यू है। बिकॉज अभी आप मान के चलो, आप मेरे ख्याल से अंकित भैया, ये गाड़ी कितना टाइम हो गया अभी डिलीवरी ली हुए? 2 महीने हो गए यार। 2 महीने हो गए आपको डिलीवरी ले हुए अभी। अब मैं आपसे बात करूँ गाड़ी की, तो देखो सबसे पहले जनता यही पूछेगी कि भाई देखो, अब मारुति सुजुकी जो है पुरानी वाली मारुति नहीं रही, अब चेंज आ चुका है गाड़ियों का, लेके चाहे कुछ भी चलो। तो आप सबसे पहले ये बताओ कि आपकी चॉइस क्यों थी मारुति ब्रेजा? या देखो अनमोल भाई, मैं आपको एक बात क्लियर बताना चाहूँगा। देखो गाड़ियाँ एक होती है ड्रीम कार, ठीक है, वो आप एक अपनी अलग सोच के रखते हो कि यार ये गाड़ी मेरे को चाहिए इन फ्यूचर। बट लेकिन क्या होता है ना कि यार थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल सिचुएशंस भी देखनी पड़ती हैं। तो दो तरह की देखो आप कार्स लेते हो, एक होती है आपकी बेस कार, बिल्कुल, जो आप डेली काम के लिए यार निकालना चाहते हो, आपको सोचना ना पड़े, बिल्कुल सही बात है कि यार मतलब कि यार निकालूं नहीं निकालूं, यहाँ भीड़ भाड़ है, ये है। मतलब हम बात कर रहे हैं आम जो अपने हिंदुस्तान के नागरिक है जो इस सोच में गाड़ी लेते हैं कि भाई मेरे को रोज लेके निकलना है। और देखो मेन क्या होता है ना यार, सुजुकी की गाड़ियाँ मैं यूज कर चुका हूँ पास में काफी, तो एक भरोसा होता है, सुजुकी कंपोनेंट इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाते हैं, प्लस माइलेज पे आ जाती है यार बात। तो अब इसकी बात करें तो इसकी जो माइलेज है ऑन पेपर जो बताई गई है वो है 27 के अराउंड। अच्छा। मान लेते हैं 24 के अराउंड आपको विद इन सिटीज, 24 नहीं तो 20 मिल जाएगी यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और 20 यार कोई मेरे को नहीं लगता कि यार आज की डेट में कोई गाड़ी अगर 20 माइलेज दे रही है तो कोई वो बेकार है। और अभी जो हमारा वेरिएंट हमारे सामने है, ये कौन सा वेरिएंट है ये बता दो? डेल्टा वेरिएंट है। ओके, तो भाई अभी यहाँ पे ना मैं आपको अंदर से भी अब गाड़ी की पूरी लुक दिखाना चाहूंगा कि अंदर से हमारी गाड़ी कैसी है। भाई अभी हम देखो गाड़ी के अंदर आ गए, तो यहाँ पे मैं आपको गाड़ी का इंटीरियर दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या इंटीरियर है हमारे, इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा शानदार है, यहाँ पे सुंदर से स्लीक से। अभी हम यहाँ पे इंटीरियर की बात करेंगे कि आफ्टर मार्केट यहाँ पे कुछ इंस्टॉल करा गया या फिर नहीं। देखिए इंटीरियर की बात करते हैं, अब आप मेरे को बताओ, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंटीरियर दिखाया, काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरे, और अगर यहाँ पे मैं गाड़ी पे बैठूँ भी तो देखो यहाँ पे भाई इनफ स्पेस है। मेरी हाइट 5'9" है, और अंकित भैया की हाइट मेरे ख्याल से मेरे से लंबी है 5'11", तो भाई 6'5" का बंदा भी आराम से, आप देखो कितनी लेग स्पेस है। अभी बात करें कि यहाँ पे इंटीरियर्स की, तो आपने फिलहाल इसमें आफ्टर मार्केट कुछ लगवाया है? क्या क्या लगवाया आपने? यार आफ्टर मार्केट मैंने मतलब इंटीरियर में तो ये मैट्स लगाई हैं जो आपको नीचे मैट्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये वाली मैट्स, मतलब ये कंपनी के साथ नहीं आई थी मेरे ख्याल से, कंपनी के साथ नहीं आएंगी। अच्छा, ये देखने को मिल रही है कुछ अलग मैट्स है नीचे यहाँ पे। एग्जैक्टली, ये आपकी 11D टाइप के मैट्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने एक ये आपको आगे दिख जाएगा डैश कैम, ये आप देख सकते हो भाई यहाँ पे डैश कैम भी लगा है। अभी इसको थोड़ी देर बाद हम ऑन करके दिखाएंगे, क्योंकि आजकल अभी मैं इनसे एक किस्सा सुनता हूँ कि मतलब डैश कैम क्यों, मतलब आपने पता ही होगा कि आजकल दिल्ली में कितने ज़्यादा रोड एक्सीडेंट के मामले हो चुके हैं, रोड रेज कितना बढ़ चुका है, तो उसको मद्देनजर भाई हमारे अंकित भाई ने यहाँ पे डैश कैम लगाया है।
बाकी इंटीरियर में आप बोल सकते हो, एक ये मैंने ये प्लेट लगवाई है यहाँ पर भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे डोर्स के नीचे एक प्लेट लगवाई है, काफी ज्यादा सुंदर लग रही है। देखो हर डोर पे यहाँ पे हमारे पास है। बाकी जैसे आप देख रहे हो इंटीरियर का डिजाइन फिनिश और इवन जो आप कवरिंग देख रहे हो वो सब लगी लगाई है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो स्क्रीन साइज आप देख सकते हो, अब हम इसको एक बार ऑन करके दिखाएंगे आपको कि कैसे लग रही है। टू स्टार्ट का यहाँ पे बटन हमें दे रखा है भाई मारुति ने, देखो यहाँ पे कितना प्यारा सा बटन दे रखा है। और इसके जितने भी वेरिएंट है सब में स्टार्ट बटन ही है। अच्छा कोई कीलेस ही है मतलब? हाँ, पूरी जितने भी वेरिएंट है सारे कीलेस ही है भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन का साइज भी काफी डिसेंट है, आप ये नहीं बोलोगे कि छोटी है, यहाँ पे आराम से हमारे पास एक डिसेंट यहाँ पे एक स्क्रीन साइज देखने को मिली है। और गाइज आजकल यही है कि अगर गाड़ी कोई बंदा लेता है ना तो ही नीड्स अ डिसेंट कोई स्क्रीन का साइज हो ताकि वो आराम से इसको एंजॉय करे, बिकॉज ये एक तरीके से गाड़ी के एस्थेटिक्स बढ़ाता है। यहाँ पे अब हम बात करें स्पेस की, अब हम बात करें तो देखो ये स्पेस है हमारी। अभी देखो यहाँ पे ना आपको स्पेस थोड़ी समझ नहीं आएगी, तो अभी मैं काम करता हूँ यहाँ पे एक मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि आप समझ जाओगे कि लेग स्पेस का यहाँ पे सबसे ज्यादा रोना रहता है कि भाई बंदे बोलते हैं लेग स्पेस बहुत कम है। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई कि देखो भाई दोनों यहाँ पे लंबे लंबे लौंडे गाड़ी में बैठ चुके हैं, यहाँ पे कितना हमारे पास पैरों के लिए स्पेस है। बिकॉज लंबे लड़कों की प्रॉब्लम क्या होती है भाई, वो कहते हैं कि उनका जो घुटना होता है वो यहाँ अड़ता है, तो यहाँ पे अंकित भाई 5'11" है तब भी देखो उनको कितनी इनफ स्पेस मिल रही है यहाँ पे। अब बात करते हैं एक बार अंकित भाई से इस बारे में कि अभी तक जब उन्होंने गाड़ी ली है तो अभी तक आप गाड़ी में कोई लंबा टूर मारा अपने फैमिली के साथ? हाँ, मैं अभी तक ज्यादातर ग्रेटर नोएडा के चक्कर लगाए हैं, जो जेवर एयरपोर्ट है नया वहाँ तक मैं जाता रहता हूँ थोड़ा। तो अभी तक गाड़ी की परफॉर्मेंस क्या रही, किसी भी प्रकार का आपको इश्यू दिखने को मिला अभी? मैं आपको बताता हूँ, तो इसमें क्या है कि आपको नेक्सा, एक्चुअली गाड़ी नेक्सा के साथ है बिल्कुल कोलैब में मारुति सुजुकी के साथ, तो जो नेक्सा है नेक्सा ने आपको इसमें एक ऐप दे रखी है। अच्छा, वो GPS इनबिल्ड है और काफी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, वो आपके फोन में ऐप आ जाती है। तो इन्होंने इस नेक्सा का कोई ऐसे कोई प्रीमियम वगैरह पैसे भी लिए अलग से? चीज नहीं, अलग से नहीं, एक साल के लिए आपका फ्री है, उसके बाद आप एक्सटेंड करा सकते हो, वो भी कुछ ज्यादा महंगा प्लान नहीं, सस्ता होता है। ठीक है, अभी आप बात करेगी इस गाड़ी को आप बेसिकली कॉम्यूट करते हो डेली अपने लैब, मतलब आपको अपने ऑफिस वगैरह जाने के लिए, राइट? तो अभी मेरे ख्याल से आपको 1.5 महीना हो गया गाड़ी को ले हुए, 2 महीना हो गया। अभी तक आपको कोई भी ऐसी माइनर या क्या शॉकर में कोई प्रॉब्लम या टायर में कोई प्रॉब्लम अभी तक कुछ ऐसा देखने को मिला? अभी तक तो मेरे को करेंटली कोई ऐसी फील, मतलब कोई प्रॉब्लम आई नहीं जनरली, मैं आपको बताऊं। और मैं कोई इतना हार्डकोर अभी मैंने कोई ड्राइविंग करी नहीं इस गाड़ी पे, बट एक चीज मैं जो मिस करता हूँ पुरानी गाड़ी, वो डीजल थी, ये पेट्रोल बेस्ड है। डीजल में मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जब इनिशियल जो थ्रस्ट है वो काफी ज्यादा थी, ज्यादा था, तो मेरे को ज्यादा उस पर प्रेशर लगाने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता, मतलब डीजल और पेट्रोल का यहाँ पे फर्क है, यहाँ पर फर्क आता है डेफिनेटली, ये तो मैंने जो नोटिस करा है वो है। और दूसरा मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा, हमने ये गाड़ी मैनुअल ली है, पर मैं बोलना चाहूंगा कि अगर कोई सिर्फ दिल्ली या सिटीज में गाड़ी लेना चाह रहा है ये वाली, तो वो ऑटोमेटिक पे जाए। मेरा मन था ऑटोमेटिक लेने का, बट हमें मैनुअल इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि यार हमारी जो मोस्टली जो ट्रिप बनती है ना बड़ी बड़ी, वो सारी पहाड़ों की तरफ बिल्कुल, बिल्कुल यार बिल्कुल, वहां बिल्कुल, पर ना मैनुअल की जरूरत पड़ी जाती है, बिल्कुल सही बात है, वहां पे थोड़ी सी भी रग्ड कंडीशंस होती है, रफ कंडीशंस होती है, ट्रेल्स होते हैं, बिल्कुल यार मैनुअल की जरूरत ना पड़ी जाती है कहीं ना कहीं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे एक इन्होंने यहाँ पे शिफ्ट लिया है गाइस, यहाँ पे देखो एक चीज रहती है, एक चीज रहती है कि भाई जो बंदे होते हैं ना यार, मैं इतना गर्मी हो रही है ना भाई यहाँ पे दिल्ली में, मेरी हालत खराब हो गई। सो बेसिकली अभी दिल्ली के लॉन्डो को क्या रहता है कि भाई गाड़ी होनी चाहिए ऑटोमेटिक, बट यहाँ पे हमारे अंकित भैया ने डिसाइड करा कि नहीं ऑटोमेटिक को ना लेते वो मैनुअल ले, तो मैनुअल का यहाँ पे उनका ये फायदा है, बिकॉज इनके उन्होंने बताया अभी कि मोस्ट ऑफ द ट्रिप्स जो इनकी होती है, सो मोस्ट ऑफ द ट्रिप्स होती है इनकी पहाड़ों में जो की होती है उत्तराखंड वगैरह, तो वहाँ पे आपको अगर आप ड्राइवर वैसे मैटर करता है, बट यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो मैनुअल गाड़ी है वहाँ पे उनको बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म करती मिलती है। यहाँ पे बात करें कि गाड़ी की जो बूट स्पेस है, तो बेसिकली यहाँ पे हम गाड़ी की बूट स्पेस जो हमें चेक करनी है, तो अभी गाइज ये मैं आपको बता दूँ, पहले यहाँ पे पेट्रोल गाड़ी है तो यहाँ पे इसकी बूट स्पेस भी हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि अगर आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ घूमने जाते हो इस गाड़ी को लेकर, तो किस प्रकार से ये आपके लिए फायदेमंद रहेगी। तो आप अभी आप मेरे को बूट स्पेस एक बार खोल के दिखाऊंगी तो क्या बूट स्पेस इसकी है। ग्रैंड विटारा में जो मेन एडिशन है बूट स्पेस का, पुरानी ब्रेजा का भी काफी बड़ा बूट स्पेस था, कोई प्रॉब्लम होती, मतलब मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूं कि अंकित भैया के पास इससे पहले ब्रेजा थी और उनके बाद उन्होंने यहाँ पे ग्रैंड विटारा पे स्विच करा। बट अंकित भैया एक बात बताओ, आप ब्रेजा भी ले सकते थे तो आपने ब्रेजा की तरफ क्यों नहीं गए, ग्रैंड विटारा क्यों? यार जो ब्रेजा जो नई वाली है ना उसका डिजाइन, मतलब ये बात ना मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन आपने बोल दी, ये बात ना बोलना नहीं चाह रहा था पर आपने बोल दी, बिल्कुल सही बात है। अभी आप यहाँ पे एक बार इस गाड़ी की प्रोफाइल देखो, ये गाड़ी की प्रोफाइल कितनी ज्यादा सुंदर है एज कम्पेयर टू ब्रेजा। गाइस यहाँ पे बूट स्पेस आप देख सकते हो,
देखो यहाँ पे ये ना ये हट सकता है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्शियल ट्रे को हटा के भी अगर आप चार बड़े सूटकेस रखना चाहो तो यहाँ पे आराम से रख सकते, मतलब मेरे ख्याल से कोई भी प्रकार की यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे आराम से आप चार सूटकेस इसको हटा के रख सकते हो। एंड अगर फैमिली यहाँ पे है जो चार बंदों की है, एंड गाइस मान के चलो चार सूटकेस भी बड़े बड़े तभी होते हैं या तो बंदे ज्यादा हो, बट अगर चार छह बंदों की ट्रिप है यहाँ पे तो आराम से मैनेज हो सकता है। गाड़ी की बूट स्पेस यहाँ पे काफी बढ़िया है। पार्शियल ट्रेस की हटाओगे ना तो मतलब आप इसमें मतलब कुछ भी रख सकते हो, लिटरली कुछ भी। मैं कोई ऐसी चीज सोच नहीं पा रहा जो आप इसमें नहीं रखो। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज इनफ स्पेस है, इनफ स्पेस है, स्पेस है। और मेरा तो ये मानना है कि अगर ये वाली सीट को थोड़ा आगे करके पीछे भी एक सीट लगा सकते थे, कोई प्रॉब्लम थी, बट वहाँ पे छोटे बच्चों के लिए होती है, छोटे बच्चों के लिए होती है, बट ठीक है। मैं कहूंगा कि अभी जो फिलहाल यहाँ पे इन्होंने बूट स्पेस दिया है विद दैट इनफ अमाउंट की यहाँ पे अंदर हमारे गाइस फाइव सीटर गाड़ी है, पांच बंदे आराम से चिल होके बैठ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इतना बड़ा बूट स्पेस मारुति की तरफ से मिल रहा है यहाँ पे, तो भाई गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि गाड़ी के बाहर हमने आफ्टर मार्केट क्या क्या चीजें इंस्टॉल करी है, बिकॉज जो गाइस हमारे पास गाड़ी आती है वो ऐसी तो नहीं आती। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो छोटी छोटी डिटेल्स यहाँ पे एड ऑन करी गई है, तो हम पूछेंगे यहाँ पे क्या क्या लगवाया गया है। तो मोस्टली यार जो ये डेल्टा वर्जन है, पहले तो मैं आपको बता दूँ इसका डेल्टा वेरिएंट है ग्रैंड विटारा का, मैं इतना बोलूँगा बस कि जो इसका टॉप वेरिएंट होता है आप उसकी सारी एक्सेसरी सब अवेलेबल है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है टॉप वेरिएंट में जो आप इसमें नहीं करवा सकते डेल्टा वेरिएंट। और बात करें यहाँ पे आपने अगर इस फ्रंट की ग्रिल देखे तो ये काफ़ी शानदार लग रही है। जैसे आप ये देखोगे ये जो लैम्प्स पे जो ये क्रोम है, हाँ हाँ, ये सब लगवाई है। यहाँ पे कितने के पड़े आपको ये? अगर आप वहाँ से मारुति के वहीं से सुजुकी के वहाँ से लगवाओगे तो 11-12 हज़ार की। और अगर हम कोई नॉर्मल ग्रे मार्केट से करोल बाग जाओगे इधर उधर जाओगे तो वहाँ पे नेगोशिएट कर लो 6 हज़ार में 5 हज़ार में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे और चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी में क्या क्या इंस्टॉल्ड है। ये लगाया है थोड़ा सा भाई, यहाँ पे देखो, ये देखो इन छोटी छोटी डिटेल्स है ना गाड़ी की पूरी लुक ओवरऑल बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। अभी गाड़ी यहाँ पे बहुत हैवी लग रही है, छोटी गाड़ी नहीं लग रही है यहाँ पे, ये बहुत हैवी लग रही है। यहाँ पर क्रोम है आपकी, यहाँ पे देख सकते हो हर जगह क्रोम है, यहाँ पे हैंडल्स पे आ जाती है, हैंडल्स पे भी हर जगह क्रोम है, काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। बैक पे इधर आ जाती है क्रोम, एक क्रोम की पट्टी इधर आ जाती है। गाइस देखो ये क्रोम से इस गाड़ी की पूरी डिटेलिंग बदल गई है। यहाँ से आप देखो मतलब एक ग्रैंड चिरोकी वाली कौन सी गाड़ी आती पूरी वैसी यहाँ पे इसकी प्रोफाइल आ रही है, बहुत बेहतरीन। अब एक बार आपसे बात करते आखिरी, ठीक है अंकित भैया, अब आप ये बताओ कि आपको ये गाड़ी ऑन रोड कितने की पड़ी आप ये बताओ, और फिर आपने इसके इसके ऊपर एसेसरीज आफ्टर मार्केट जो भी लगवाया पूरा आपको इन टोटल कितना पड़ा? तो जो आपको ग्रैंड विटारा डेल्टा का जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको 14.5 का पड़ेगा। आप okay. किसी भी शोरूम में जाके पता कर लीजिए, मैं आपको एक लिस्ट भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल देंगे यूट्यूब में, बिल्कुल उस लिस्ट में इसके जितने भी वेरियंट है सबके प्राइस वगैरह लिखे हैं। नेक्सा से मैंने कोटेशन भी ले रखे, मैं आपको कोटेशन भी दिखा दूंगा जो इंटरेस्टेड है। तो 14.5 लाख की आपको ये ऑन रोड पड़ी है। पड़ी। और बात करें इस पे इसके जो आपने आफ्टर मार्केट का जो आपने सामान लगवाया है वो सब कुछ मिला के आपको इन टोटल कितने की पड़ी गाड़ी? सब कुछ मिला के आपको 15 की पड़ जाएगी, मतलब 15। अगर देखो आप अलॉय व्हील्स भी लगवाओगे, आप अगर सुजुकी से भी लगवाओगे 47,000 के आपको सुजुकी पे पड़ेंगे, करोल बाग पे जाओगे 25,000 के अलॉय व्हील्स, बट वहाँ पे भरोसे वाली बात होती है, भरोसे वाली बात है, वो भी आपको बोलेंगे हमारे पास जेन्युइन नेक्सा का प्रोडक्ट है। बिल्कुल सही बात है, देखो सब कुछ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मतलब थोड़ा सा कि शोरूम से गाड़ी एग्जैक्टली क्योंकि नई गाड़ी जब आ रही है तो अगर 2-3 का खर्चा ना देखे तो हम एक अच्छी चीज ही लगवा लेंगे। अरे एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछूं, फॉर नाउ अभी तक इस गाड़ी से आप सेटिस्फाइड है? अभी तक मैं सेटिस्फाइड हूँ। प्राइमरी कार जो एक ड्रीम कार जिसके बारे में हम सोचते हैं कि जिसमें फैमिली ट्रैवल करती है, हम उसको कहीं भी निकाले किसी भी काम के लिए, यार लिटरली सोचना ना पड़े कि यार सिर्फ कोई पार्टी है हवाबाजी करने के लिए निकालनी है, नहीं किसी भी चीज़ के लिए निकाल सकते हैं यार गाड़ी को, सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो उसके लिए ये भाई बिल्कुल सेटिस्फाइड गाड़ी है। सेकेंडरी में मैं आप बोलता हूँ आप जितनी भी हाईफाई गाड़ियाँ लेना चाहो ले सकते हो, पर एक आपको एक गाड़ी चाहिए जो आप डेली के लिए कम्यूट करो। अगर हम बात कर रहे हैं कोई नॉर्मल बंदा जिसको रोज गाड़ी निकाल के कहीं अपने ऑफिस जाना है, कहीं काम पे जाना है, यार देखो वही होता है, मान लो अगर आप लंबा ट्रैवल कर रहे हो आपको दिक्कत है यार गाड़ी में पेट्रोल का खर्चा, ये खर्चा वो खर्चा, बार बार आप पेट्रोल भरवाए जा रहे हो, इस गाड़ी में आप वो दिक्कत फेस नहीं करते। इस गाड़ी की इतनी मतलब अगर आप, मैं आपको एक एक ट्रिप की एनालिसिस दिखाऊंगा ना, 21-21 की एवरेज। क्या बात है, क्या 21-21 की एवरेज है, मानोगे नहीं आप। अब हम आ गए गाड़ी के अंदर, आप यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी में बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पे ड्राइवर एक्सपीरियंस हम यहाँ पे जरूर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे भाई मैं झूठ नहीं कह रहा, जब जब मैं कैमरा खोल रहा हूँ इतना पसीना और है ना, पूरी टी शर्ट बिक गई, तुमने लाइक नहीं करना भाई देख लेना इस बात पे। हम लेंगे यहाँ पे भाई ड्राइवर एक्सपीरियंस। भाई देखो यहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ साइड वाली सीट पे, देखो हम कोई भी ऐसी सिर्फ वीडियो को अच्छा करने के लिए नहीं बोलेंगे, जो चीज हमें जेन्युइन लग रही गाड़ी के बारे में वही बोल रहे हैं। काफी कंफर्टेबल सीट्स यहाँ पे। अभी बात करें अंकित भैया आपकी, तो यहाँ पे अब आप हमें बताओ कि सबसे पहले कि भाई ये डैश कैम क्यों इंस्टॉल करा भाई आपने यहाँ पे, और काफी ज्यादा क्लियर है यहाँ पे, कितने का पड़ा आपको ये?
अनमोल भाई ये आपको 13,000 का पड़ जाएगा, क्यूबो का डैश कैम आता है 4K वाला। ओके और अगर आपको 3K चाहिए तो वो 10-11 हजार का पड़ता है। बट ये काफी क्लियर है। हाँ ये मैंने 4K वाला करवाया। बट आपने लगवाया क्यों है? कुछ अनमोल भाई कुछ किस्से हो गए थे हमारे साथ जो मतलब अभी बताने लायक नहीं है, पर आपके दर्शकों के लिए मैं स्पेशली बताना चाहूंगा वो किस्से कि अगर कोई बंदा किसी का धो ना जाए ऐसे। हाँ भाई आप लोग ध्यान रखना प्लीज इस चीज से। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि भाई मैं अपनी गाड़ी से आ रहा था, कहीं दूर से आ रहा था, बिल्कुल नोएडा वाली साइड। ये तब की बात है जब आपके पास ब्रेजा थी, राइट? हाँ मेरे पास ब्रेजा थी। हाँ हाँ तो मेरे पास ब्रेजा थी, मैं ब्रेजा से आ रहा था नोएडा से। और यार मैं बड़ा ना उस दिन फेड अप था, काम वाम से लेके कुछ भी कोई रीजन हो। हाँ मेरा सर दर्द भी था, ट्रैफिक भी बहुत हो रहा था। तो मैं आया भाई, अब क्या हुआ, उल्टी लेन में एक लड़की ला रही स्कूटी। अच्छा। अब लड़की भाई स्कूटी ला रही तो मैंने भाई हॉर्न मारा, मैंने कहा भाई हटा लो यार, आप साइड कर लो यार, आप इस लेन में अटका रहे हो फालतू में स्कूटी। ट्रैफिक वैसी हो रखा था इतना। सही बात है। लड़की ने हटाई, मैंने हॉर्न मारा, उसने कहा अबे चल चल। अच्छा दिखा दी मेरे को। अच्छा जी भाई उसके बाद मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, उसकी स्कूटी पे भाई गाड़ी हो गई मेरी टच। अच्छा टच हो गई यार। टच हो गई, बट टच ही हुई। मैंने भाई मार दिया सर। अच्छा। नहीं भाई मतलब कुछ लगी होगी? नहीं उसे, नहीं यार कुछ ना लगी उसके। भाई बंदी ने वहां पे कर दिया ड्रामे शुरू, स्कूटी वहीं बीच में रोक दी, उतर गई मेरे को जी, इसने ठोक दिया लड़के ने, ये कर दिया वो कर दिया। तो भाई मैं ना अपनी गाड़ी से निकला नहीं। बिल्कुल। वो लड़की ना मेरे को थोड़ी ऐसे धमकी वमकी देती, कहती कि तू रुक मैं अभी बंदे बुला के। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई दिल्ली में होता है सब, बस यही होता है बस। तो मैंने भी भाई उसको 3-4 बातें उल्टी बोल दी, मैंने कहा भाई गलती तो तेरी है, तू कहां से आ रही थी। बिल्कुल सही बात है। तड़ाक करके मैंने बात कर दी भाई। अब उसके बाद क्या होता है, 2-3 लोग आए, वो मेरे को, वो उस लड़की को कहते कि भाई तुम्हारी गलती है, गलती तुम्हारी है, लड़कियों ने बोला। तो मेरे को अप्रूवल मिल गया ऐसे लोगों का, यार गलती इसी की है, मतलब पब्लिक ने सपोर्ट कर दिया आपको वहाँ पे। तो कि वो गिल्ट फील नहीं हुआ कि चलो ठीक है यार, चलो मेरी गलती नहीं है इतनी। और सबसे बात यहाँ पे कि वो रॉन्ग साइड से आ रही थी, आप गाड़ी लेके जा रहे थे और गाड़ी सिर्फ स्कूटी पे टच हुई थी, कुछ नहीं हुआ बस। उसके बाद भाई मैं घर आता हूँ तो रात में मेरे पास कॉल आता है 11-12 बजे के अराउंड पुलिस स्टेशन से कि जी आपके अगेंस्ट कंप्लेन हो गई है। अच्छा आप अभी आओ। अच्छा जी 11-12 बजे पुलिस वाले कॉल करके बुला रहे हैं भाई, इतनी सीरियस मैटर हो गया। मैंने कहा यार ऐसा क्या सीरियस मैटर हो, मतलब 12 बजे पुलिस वाले कॉल करके बुला रहे हैं तो फिर गलत है। अगर है भी तो इतना सीरियस क्या हो गया कि 11-12 बजे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा जी अगले दिन आऊंगा मैं, आज तो ना आता, मैं भी भाई बिजी हूँ अपने काम में ऐसे करके। अगले दिन मैं आया तो भाई मैंने थोड़ी जान पहचान वगैरह थी पुलिस वालों से, तो भाई बातचीत वगैरह करवाई, निकलवाई। उन्होंने कहा कि भैया आपके अगेंस्ट रिपोर्ट आ रखी है कि आपने छेड़छाड़ कर दी लड़की से। अच्छा मतलब यहाँ पे मान के चलो कि भाई ये पूरा का पूरा सीन हुआ कि यहाँ पे आपने गाड़ी के ठोक दी उस लड़की पे, ईगो पे आ गई, उसने पुलिस पे चली गई और लड़की वाला कार्ड वहाँ पे कैसे तो प्ले हो गया। और बस गाइस इस स्टोरी के चक्कर में यहाँ पे भाई 13,000 का खर्चा हो गया अंकित भैया का, कि आगे होना ही नहीं कभी ये सब। और भाई मामला सुलट गया सारा। वो मेरी बात मानो, वर्थ इट है। अगर आप सोच रहे हो पैसे बचाने की कि नहीं यार डैश कैम लगा छोड़ो, क्या लगाना ही लगाना, भाई बहुत जरूरी हो गया है। आप मानोगे नहीं, आपके खिलाफ कोई भी कंप्लेन कर सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते उस बात के अगेंस्ट। अच्छा क्योंकि यार हमारे पास कोई सबूत नहीं है ना यार। बिल्कुल, हम बिल्कुल। कैसे प्रूफ कैसे करें अपना? बिल्कुल बिल्कुल। सामने वाला बोलेगा हम सच बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं हम सच बोले, पुलिस सुनेगी इसकी मतलब। लेकिन फिर तो मैं ये बोलूंगा अपने दर्शकों को कि भाई अभी आप अगर गाड़ी चला दो थोड़ी तो आप यहाँ पे ये चीजें लगवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे गाड़ी हम रोक चुके हैं बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे ए का साइन बना हुआ, देखो वहाँ पे ग्रीन कलर का लिखा रहा है ए। बिल्कुल। अब आपकी गाड़ी पेट्रोल पे नहीं है, अभी फुली इलेक्ट्रिक हो चुकी है। अच्छा। ये आपका एसी जितनी फंक्शन चल रही है ये सब आपकी बैटरी पे शिफ्ट हो गई। अच्छा। तो जब जब आप गाड़ी रोक रहे हो तो आप बेसिकली अपना पेट्रोल खर्च नहीं बचा रहे हो, पेट्रोल बचा रहे हो। और यही बात बोलते बोलते भाई दिल्ली में बारिश भी आनी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। अब आप जैसी गियर मारोगे आपकी गाड़ी पेट्रोल पे वापस स्विच हो रही है, तो ये काफी बेहतरीन फीचर मिल रहा है मारुति की तरफ से। प्लस जरूरी नहीं है ब्रेक मारने पे ही आपका ये ऑटोमेटिक पे स्विच हो, बीच बीच में अगर आप मतलब नोटिस करोगे यहाँ स्क्रीन पे तो एक बैटरी का साइन बना हुआ आता है। बिल्कुल। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे देखो इसका डिजिटल मीटर भी बीच में काफी ज्यादा बीच में आपको मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं मतलब बिल्कुल ये आपको ऐसे टारगेटेड करके नहीं बता रहा, बट यहाँ पर मतलब ये एक फीचर है जो गाड़ी वाले हमें दे रहे हैं। तो जब आप गाड़ी चलाते हो तो बीच बीच में कुछ कुछ सेकंड्स के लिए वो आपकी गाड़ी जो है स्विच हो जाती है। ओके ठीक है। तो आप यहाँ से देख भी सकते हो आपने कितना बेसिकली अपना पेट्रोल बचाया है, कितना बचाया है, ठीक है। वो चीजें भी यहाँ पे चीजें है काफी सारी अवेलेबल। यहाँ पे आप ये मान के चलो कि भाई आपको इस गाड़ी में कितने ज्यादा फीचर मिल रहे हैं, एंड क्रूज कंट्रोल से लेके आपको यहाँ पे भाई
ट्रैक्शन कंट्रोल, सारी की सारी चीजें देखने को मिल रही है जो अभी तक मारुति की गाड़ी प्रोवाइड नहीं कर रही थी, बट जब से इन्होंने ये हाइब्रिड चीज लॉन्च करी है तो वंस अगेन इट्स अ बिग डब्ल्यू फॉर मारुति। एंड अभी यहाँ पे हम करने वाले अपना व्लॉग एंड, एंड एक चीज जो मैं अंकित भैया को बोलना चाहूंगा कि देखो भाई देखो, अब दिल्ली में बारिश भी आ चुकी है, बारिश का मौसम खत्म होते ही कब इस गाड़ी को लेके हम चल रहे हैं पहाड़ों पे, ये बताओ। बहुत जल्द चलेंगे, अपना टाइम निकालो आप जल्दी, जैसे टाइम निकलेगा। अभी थोड़ा सा मैं लोगों को ये भी बोलना चाहूंगा यार, पहाड़ों पे ऐसे बिल्कुल भागो मत गाड़ी लेते ही, हाँ, क्योंकि बहुत रिस्की सिचुएशन भी हो रही है। नई गाड़ी है, दोस्त हैं यार ऐसे मेरे जो गाड़ियां छोड़ छोड़ के भी आए हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा फंस गए यार, बीच में दिक्कतें हो जाती तो हम जाएंगे उसकी, क्योंकि उसका भी व्लॉग बनाना है। अभी देखो यहाँ पे खुल जाएंगे, गाड़ी का परफॉर्मेंस रिव्यू भी तो लेना ना हमें कि पहाड़ों में कैसी चल रही है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। अंकित भैया थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस आपकी न्यू कार के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कर दो भाई ठीक है, बोल दो भाई सब्सक्राइब लाइक शेयर, सब्सक्राइब लाइक बोल दो भाई, बोल दो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर, क्या बात है भाई, चलो भाई कर दो, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट।